everyone, welcome to Vani Academy's channel. Hi guys, this is me, Vani Mehra, the founder of Vani Academy. And today we have very, very good news and a surprise for all of you to disclose. That is, the UPSC has declared its calendar for 2021. I hope I'm audible. If I am, please comment in the comment section and let me know everybody. तो गाइस यूपीएससी ने 2021 का अपना इंटायर कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया है आज. एंड डेफिनेटली जो डेट है वो रिलीज कर दी है फॉर द प्रिलिम्स ऑफ 2021, जो कि सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स है आपका. और वो डेट है 27th of June 2021, दैट इज ऑन संडे. तो यूपीएससी अपने प्रिलिम्स जो है संडे को ही लेती है. और एक और बात मैं बता दूँ, इसकी जो नोटिफिकेशन है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन 10th of February, और जो लास्ट डेट रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन की वो दी गई है 2nd of March. गाइस एक और बात बता दूं कि जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिलिम्स है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रिलिम्स है वो कॉमन पेपर, वो एक ही पेपर होता है, वो अलग पेपर नहीं होता. तो ये एक साथ एक ही दिन रखा गया है, दैट इज ऑन 27th of June. एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इसके मेंस की डेट भी आ चुकी है. फॉर द डेट इज 17th of September, फ्राइडे को. और ये 5 दिन के लिए मेंस के एग्जामिनेशन चलेंगे. और जो लोग फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एग्जाम देंगे उनका 21st November को होगा फॉर 10 डेज. तो जनरली क्या होता है, जो बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिलिम्स देते हैं वो सिविल सर्विसेज का प्रिलिम्स और फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस भी देते हैं कई बार. तो इसीलिए अगर उनका सिलेक्शन हो जाए बाई चांस फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रिलिम्स में, तो यूपीएससी कुछ टाइम गैप देती है उनको ताकि वो अपने मेंस की तैयारी कर सके. तो सितंबर में वो अपना सिविल सर्विसेज का प्रिलिम्स दे सकते हैं और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो है वो लोग दे सकते हैं इन नवंबर. तो वो टाइम पीरियड जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मिल जाता है. तो गाइज ये है थोड़ा, आप देख सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव सा मैंने बना के दिया है चार्ट. जैसे कि आप देख सकते हो प्रिलिम्स का जो डेट है वो 27 जून है संडे को, और फिर आपका मेन्स एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का वो आपका है, यू नो, ये देखिए आप बाकी सारे सर्विसेज का दिया हुआ है. तो मेंस का तो मैंने यहाँ पे डाल ही दिया ऑलरेडी, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट मैंने आपको बता दिया है कि 17 सितंबर को मेंस है. 27 जून का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली गिन के आपके पास बचते हैं 10 मंथ्स. 10 महीने हैं आपके पास सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए. और डेफिनेटली ये पीरियड जो है बहुत इनफ तो नहीं है कि आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट फिर भी लेट अस सी कि आप कैसे इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं आगे. तो देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट यू ऑल कैन फॉलो फॉर 2021. आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या क्या करने वाले हैं अगले एक साल में, किस तरह से आप पढ़ेंगे, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू कवर एंड हाउ आर यू गोइंग टू कवर देम. तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं. सो गाइज व्हेन आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर 2021, मैं इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट में लेकर चलूंगी, और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो. द फर्स्ट थिंग इज जो टाइम पीरियड है फॉर यू पीपल फॉर योर प्रिलिम्स इज 10 मंथ्स, और डेट है आपके एग्जाम की 27th June 2021. एंड टुडे दिस इज गोइंग, अगस्त का मंथ चल रहा है, तो आज है जैसे आपकी 17 अगस्त है आज, तो 17th अगस्त से आपकी 27 जून अप्रॉक्सीमेटली जो है डेट रखी गई है. पहली चीज़ जो गाइस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि आपके पास प्रिलिम्स मेंस की तैयारी जो है इसे आपको साथ में लेके चलना है, इसे आपको कंबाइंड लेके चलना है, इंटीग्रेटेड लेकर चलना है. आप प्रिलिम्स और मेंस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते. बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि पहले हम एनसीईआरटी पढ़ें कि हम क्या करें, हम बिगिन कैसे करें. तो आइए हम जानते हैं कि आप बिगिन कैसे करते हैं. अगर आप एक बिगिनर है इस एग्ज़ाम में तो आपको एक अप्रोच डेफिनेटली देखनी चाहिए, वो है यूपीएससी का इंटायर सिलेबस, जो आपको एक बार रीड करना चाहिए अपने लेवल पर. सिलेबस रीड करने से गाइस बेसिकली क्या होता है कि आप काफ़ी टॉपिक्स को पहली बार देखेंगे क्या है उसके अंदर. जो मेंस का सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोडेड है उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या उस पर एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे. तो मैं आपको बता दूंगी कि यूपीएससी का सिलेबस आप कहाँ से पा सकते हैं.
और सारी डिटेल्स जो है यूपीएससी के सिलेबस की आप उन्हें पढ़ सकते हैं। एक रैंडम गूगल सर्च करके एक एक टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, किस तरह का है, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक जनरलिस्टिक रिसर्च कर सकते हैं आप पूरे सिलेबस के ऊपर। इस चीज़ को कम से कम 2 to 3 days आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखने चाहिए कि बाद में। देखिए मैं आपको बता दूं दैट यू शुड सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिफोर हैंड ओनली। आप 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको ट्रेंड एनालिसिस देखना है। ट्रेंड एनालिसिस मतलब अगर आपको यूपीएससी ने किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली आपने वो सिलेबस में तो पढ़ा ही होगा टॉपिक का नाम, और आप देखेंगे कि उस टॉपिक से यूपीएससी ने 5 साल में कितने और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो उससे एक ट्रेंड एनालिसिस समझ आ जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट के ऊपर चैप्टर पे देख सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, या कोई केस है तो उसमें से कितने क्वेश्चन आए। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए 5 years का ट्रेंड एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये पता लग सके इन एंड आउट कि यूपीएससी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है आपके। और गाइस फिर उसके बाद बात आती है एनसीईआरटी की। तो क्या एनसीईआरटी आपके लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। एनसीईआरटी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है हम उसे बिल्कुल भी नेग्लिफाई नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजेंस नहीं बरत सकते हैं। बट डेफिनेटली गाइस आपको कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी किस हद तक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन सी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, विच एनसीईआरटी एंड हाउ यू विल रीड इट। अब कुल मिला के देयर आर 35 एनसीईआरटीज जो आपको अप्रॉक्सीमेटली पढ़नी होती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 या 2 महीने में 35 बुक्स को ख़त्म करें। ऑब्वियसली आपको उस चीज़ को 2, 3, 4 महीने लग सकते हैं, और आपके पास जो टाइम है वो है गिन के। अगर आप देखें यूपीएससी जो 2021 में सीरियसली अटेम्प्ट देने वाले हैं, आप सबके पास गिन के 10 months का टाइम है। तो गाइज आप इन 10 months के अंदर अगर 4-5 months सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे तो बाकी 5 months में आप बाकी सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर, ऑप्शनल, इन सबको टाइम नहीं दे पाएंगे। तो क्या सारी एनसीईआरटी को एक साथ पढ़ना चाहिए कि एक एक करके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उनको पढ़ना चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट्स को रहता है। बिकॉज आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ टॉपर्स ऑल्सो एंड आई हैव स्पोकन टू देम, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो सर्विसेज में हैं, तो उन सबके हिसाब से अगर मैं देखूँ या जो भी एनालिसिस मैंने अपने स्टूडेंट से किया जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, या मेरा एक्सपीरियंस जो यूपीएससी में रहा है उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप एक एक करके एनसीईआरटी पढ़ते हो तो डेफिनेटली सब्जेक्ट का बेस तो समझ आता है बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए आपको कैसे चीज़ों के अप्रोच करना चाहिए? देखिए गाइस मैं आपके 10 months को आई विल बी डिवाइडिंग इन 5 months एग्जैक्ट डिविजन दैट आई हैव टू डू फॉर यू। तो 5 महीने बिगिनिंग के ऐसे हैं जिनमें आप अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना बेसिक कवर कर सकते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड बुक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं और न्यूज़पेपर के ऊपर भी ग्रिप बना सकते हैं। और जो आपके 2 months का मिडिल पीरियड है इसके अंदर आप कुछ चीज़ों की रिविजन कर सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स को फिनिश कर सकते हैं। और जो लास्ट के 3 months बचेंगे ये आप कम्प्लीटली प्रिलिम्स में डिवोट कर सकते हैं, कम्प्लीट टाइम प्रिलिम्स को डिवोट कर सकते हैं। बट बात ये है कि ये 5, 2 and 3 months की स्ट्रैटेजी को आपको कैसे डिवाइड करना है और कैसे पढ़ना है। तो मान लेते हैं कि अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ऑगस्ट मंथ, और ऑगस्ट के मिड से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि आप 2-3 दिन सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने में लगाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो मोस्टली एस्पिरेंट्स को जिस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डर रहता है वो है हिस्ट्री।
एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका बहुत डर रहता है, कोई बोलता है एंशियंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई बोलता है मिडिवल इम्पॉर्टेंट नहीं है. देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो. अगर यूपीएससी के सिलेबस में है तो वो इम्पॉर्टेंट है, और वो किस फॉर्म में आ सकता है वो यूपीएससी जानती है, वी डोंट नो. और अभी यूपीएससी 2020 का एग्जाम हुआ भी नहीं है कि हम ऑलरेडी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दें. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियरली, जो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अगस्त के मिड से, अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपना थोड़ा बेस बना लीजिए. यू कैन टेक 4 to 5 days फॉर सिलेबस रीडिंग एंड रिसर्च. आप अपना थोड़ा प्रीवियस एक क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप इनको अभी टाइम नहीं देंगे तो बाद में तो इन पे टाइम देंगे ही देंगे, और फिर आपका काफ़ी टाइम जा चुका होगा. सो दिस थिंग यू शुड डू इन द बिगिनिंग, और उसके बाद यू पीपल कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटी. तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है हिस्ट्री तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पॉलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अब हमने 10th स्टैंडर्ड तक सब ने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वी हैव अ क्वाइट अ गुड बेस इन इट. बट अगर आपको पॉलिटी में कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है, तो आप एक दो दिन लगा के या 3 दिन लगा के एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं. पॉलिटी की अगर आप बेसिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह की एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है, नहीं तो अगर आपको लगता है कि इतना बेसिक तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो आप प्लस वन की जो बुक है एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहां से बिगिन कर सकते हैं. इस एनसीईआरटी में लगभग सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स प्रोसीजर्स दिए गए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जहां से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी और आप इंटरलिंक कर पाएंगे. बट कुछ चीज़ों में अगर आप अटकते हो तो आप फटाफट गूगल सर्च भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू गो बैक टू द बुक्स. क्योंकि गाइस जो आपका 6th to 10th पॉलिटी का अगर मैं एनसीईआरटी बताऊँ, तो उसका जो रेशो है यूपीएससी में पूछने का, दैट इज़ लाइक 1% भी नहीं है, नॉट इवन, इट इज़ लेस देन 1%. तो जब आपको उनसे क्वेश्चन ही नहीं आते, तो आप कैसे उन पर इतना रिलाई करें और इतना टाइम स्पेंड करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कुछ होता है. बट हाँ, प्लस वन के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रिलिम्स और मेंस दोनों के काफ़ी क्वेश्चन निकल सकते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ने के बाद आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की. बहुत लोग कहते हैं मैम 5th edition पढ़ूँ, 6th edition पढ़ूँ, आप लेटेस्ट एडिशन पढ़ सकते हैं. अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल प्रोवाइड एवरीबडी यू नो द PDF ऑफ दिस. तो एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के आप पढ़ सकते हो. और चैप्टर वाइज गाइस देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जैसे आप कुछ बिगिनिंग के चैप्टर्स, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, और आप उसके बाद सेलियंट फीचर्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक्स है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको समझ आती जाएगी. अगर आपको नहीं समझ आता तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप डाउनलोड करिए, मेरा वहाँ पे क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फ्री में अवेलेबल है. आप उन वीडियोस के साथ भी अपनी लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको लक्ष्मीकांत की बेसिक्स, टॉपिक्स के बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. आई हैव बोथ इंग्लिश एंड हिंदी का कोर्स, तो आप वहाँ से इंडियन पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत का अन अकेडमी लर्निंग ऐप से देख सकते हैं. तो उससे आपका एक बेसिक जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि इंडियन पॉलिटी में क्या क्या आता है. और फर्स्ट रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट अ डाउट. उसके बाद बात आती है गाइस हिस्ट्री की. हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो आप टर्न बाय टर्न इन्हें पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप वानी अकेडमी के मेरे यूट्यूब चैनल पे एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी पलक ने बहुत अच्छे से कवर की है, इंटरकनेक्ट करके 6th के NCERT प्लस 2 के NCERT के साथ, 7th के NCERT प्लस 2 के NCERT के साथ बिल्कुल लिंक करके पढ़वाइए. और मॉडर्न हिस्ट्री हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से बिगिन कर सकते हैं. ये मैं आपको अगस्त मिड के अंदर, अगर आप बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बिगिनिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये वाला मंथ जो है आपके पास, ये बिगिनर स्ट्रैटेजी है. तो आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, दिस इज डे 1 ऑफ स्ट्रैटेजी. हम 3-4 दिन लगातार ये लेक्चर सीरीज करेंगे,
सो दैट मैं आपको धीरे धीरे डिस्क्लोज कर सकूँ कि आपको क्या पढ़ना है. बट अभी फिलहाल बिगिन करने के लिए अगर आप स्टेप वन की वेट कर रहे हैं तो स्टेप वन ये है कि गाइज आप प्लीज सिलेबस को देखिए और फाइव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जस्ट हैव अ लुक एट इट, और उसके बाद आप लोग अपना एक स्ट्रैटेजाइज कीजिए कि आपको दोनों में से कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं. अगर हिस्ट्री स्टार्ट करना है तो आप देख सकते हो वीडियोज ऑन माई चैनल, उसकी प्ले लिस्ट अवेलेबल है. एनसीईआरटी रिविजन कोर्स है मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री का, वहाँ से बिगिन कर सकते हैं. साथ साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, तो उससे क्या आपका बेसिक कवर हो जाएगा. और बिल्कुल फ्री वीडियोज है, सो यू डोंट हैव टू पे ऑल्सो फॉर एनीथिंग. और पॉलिटी के लिए आप प्लस वन के एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हो और फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरा क्रैश कोर्स देख सकते हो. यहाँ से एटलीस्ट आप जो बिगिन है वो कर सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस लेक्चर सीरीज को 5-6 सीरीज के अंदर राउंड में लूंगी, तो आज मैं आपको सिर्फ एक बिगिनर्स अप्रोच बता रही हूँ कि आप एक सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंटली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को बिगिन कैसे कर सकते हैं. बट ओवरऑल ये 5 months, 2 months और 3 months का प्लान जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज हम लोग इसे एक वीडियो में नहीं कर सकते. ऑप्शनल, बेसिक, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, इस सब के लिए मैं आपको सेकेंड लेक्चर, मतलब जो कि मैं कल डालूंगी यहाँ पे, आपको मैं कल बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको इस चीज़ में क्या करना है. सो टुडे इज द लेक्चर वन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर 2021. अगर आपको ये वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताऊं कि आप कैसे चीज़ें कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. आई एम वानी मेहरा. अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछना है गाइज, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ढूंढ सकते हैं, विच इज़ वानी मेहरा. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वानी मेहरा का आप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सो यू विल गेट एवरीथिंग. और कल हम लेक्चर 2 डालेंगे जिसमें हम और डिटेल में बात करेंगे कि आप आगे सब्जेक्ट्स के अप्रोच क्या रख सकते हो, ऑप्शनल कैसे पढ़ोगे, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में मैं आपको 4-5 लेक्चर्स के अंदर पूरा स्ट्रैटेजी 2021 का एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल एवरीथिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आई रियली वॉन्ट टू टेक टाइम. जिस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 10 महीने हैं, कम से कम मुझे 4-5 लेक्चर्स में तो आपको बताना चाहिए कि मतलब डिटेल में कैसे करना. ओवरऑल मैं आपको एक फीडबैक दे सकती थी आज, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू दैट, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रश कीजिए. इसलिए मैं चाहती हूँ आप आज के दिन बैठ के एटलीस्ट अपने सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए. बाकी स्ट्रैटेजी कल देखेंगे. थैंक यू सो मच. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. सी यू विद लेक्चर 2 ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर 2021. दिस इज मी वानी मेहरा. एंड गाइज, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो यू गाइज कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द बेस्ट.